गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद बाला को मिली जमानत। एक्स वाइफ और बेटे ने लगाया था शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर बाला को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ ही घंटों बाद जमानत पर रिहा कर दिया है। उनके खिलाफ उनकी बेटी ने ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके साथ अदालत ने कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। बाला को मीडिया संग बातचीत करने के लिए मना किया गया है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खुलासे ने नई नामी सितारों की पोल खोली। जहां कई एक्ट्रेस ने अपने साथ हुई यौन शोषण पर बात की, वहीं इस लिस्ट में एक नाम था एक्टर बाला का। बाला को उनकी एक्स वाइफ की शिकायत के आधार पर कदवंतरा पुलिस ने सोमवार 14 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई है। अदालत ने रखी शर्त। बाला की जमानत याचिका एर्नाकुलम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष रखी गई थी। हालांकि उन्हें कुछ कड़ी शर्तों के तहत जमानत दी गई है। उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि 41 वर्षीय अभिनेता और उनकी पत्नी ने साल 2010 में शादी की थी। इसके बाद 2019 में ये अलग हो गए। उनकी पूर्व पत्नी टीवी शो में एक लोकप्रिय गायिका हैं। रिश्तों में खटास आने के बाद साल 2015 के बाद से दोनों सार्वजनिक रूप से भी कई बार लड़ते भी दिखाई दिए। बाला के खिलाफ उनकी बेटी अवंतिका ने मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।